जड़ा बंदा मेरी जुतियां चट के इत तक पहुंचा है उसे किसी गल का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझा। जिन्हें बीजेपी के सहारे से तू ये बयान दिता है वो तैनू जुतियां मार के अपनी पार्टी के दफ्तर अंदर वड़न नहीं देने। हाले इस धरती से कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं होया जिहड़ा साढ़े अज तक के किसी काम के उत्ते साढ़े तक कोई एलीगेशन लगा सके। बाकी ये जलील घटिया बंदे की जिसनों कोई चाबी घुमाता है ये बोल जाते हैं जड़िया जड़िया इसने गल् किया उन्हों का जवाब वो देंगा ये जरा नवा प्यो बनया वो याद रखने अपने बच्चों की अब कसम खा ला ना कोर्ट ना किसी होर जगह तू इस शब्दों तो बचने के लिए माफ़ी मंगेगा। साड़ी जिंदगी साड़ा व्यापारक साड़ा हर तरह के पाक साफ हैगा इस अकाल पुरख की रहमत है। गल हैगी जी कि जड़ा बंदा मेरी जुतियां चट के इत तक पहुंचा है उसे किसी गल का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझा अपने हद तक समझदा हाँ। बाकी गल ये रही अजे गल कर बैठा है इसनों मैं कोर्ट के घसीटांगा और एक गल मैं कह देनी चाहता वा अपने बच्चों की अब कसम खा ला ना कोर्ट ना किसी होर जगह तू इस शब्दों तो बचने के लिए माफ़ी मंगेगा। बाकी आने वाला समा दसेगा तू जे तेरे ते एलीगेशन है हाले इस धरती से कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं होया जिहड़ा साढ़े अज तक के किसी काम के उत्ते साढ़े तक कोई एलीगेशन लगा सके। साड़ी जिंदगी साड़ा व्यापारक साड़ा हर तरह के पाक साफ हैगा इस अकाल पुरख की रहमत है। बाकी ये जलील घटिया बंदे की जिसनों कोई चाबी घुमाता है ये बोल जाते हैं जड़िया जड़िया इसने गल् किया उन्हों का जवाब वो देंगा ये जरा नवा प्यो बनया वो याद रखने इस तो बाद मैं कुछ नहीं कहना। देखो ये बेपरिंदी के लोटे है पिछले तकरीबन 10 साल तो पौने 10 साल तो एक कमेटी के काबज है इन्होंने पहले दिन तो मेरे दे उत्ते एलीगेशन लगाने शुरू किए एक एलीगेशन साबित नहीं कर सके तो एक भी एलीगेशन दोबारा रिपीट नहीं कर सके। मैं चैलेंज करदा अगर तेरे च हिम्मत हैगी तू मेरे टाइम तो लैके अज तक का एक कमीशन बिठा दे और जेड़े बेमानियां कटेगा ना जिन्हें बीजेपी के सहारे से तू ये बयान दिता है वो तैनू जुतियां मार के अपनी पार्टी के दफ्तर अंदर वड़न नहीं देने।